अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो दो भाई मिल गए मेरे को और वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। उराल भाई ट्रेन एकदम सही टाइम पे आई है और मैं अभी जो मेरा पासपोर्ट वासपोर्ट वो चेक करवा रहा हूँ। गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस शिमकंद वही जगह जो शायद मैंने लास्ट वीडियो में को बताया था कि यहाँ पे मैं फ्लाइट लेके पहुँच रहा हूँ और यहाँ से ट्रेन लेके पहुँचूंगा मैं अलमाती। तो सुबह सुबह मैं जेनाओ जैन से टैक्सी पकड़ के पहुँचा अख्ताओ से मैंने फ़्लाइट ली और फ्लाइट ने मुझे वो इधर उतारा शिमकंद में और शिमकंद से अब मैं जा रहा हूँ ट्रेन लेके अलमाती की तरफ। अभी एक कैफ़े के अंदर था, वहाँ पर खाना वाना खाया और कैफ़े बिल्कुल वो सामने दिख रहा है आपको वोक्जाल, वोक्जाल बोले तो रेलवे स्टेशन, तो वोक्जाल पर पहुँच गया हूँ। अदना बोदा दा आसू बीस गैस दा बीस स्कूल का तेज ना आनंदी सीता गीता बाय बाय। सुबह सुबह जब रेलवे स्टेशन में पहुंचा ना तो इन बूढ़ी दादी से मैंने पूछा था कि यार यहाँ पे मेरे को सोच वो खाना है खाना वाना खाना है, तो इन्होंने मुझे अच्छा सा रेस्टोरेंट रिकमेंड कर दिया था और एक अच्छी सी स्माइल दे दी थी। तो आते टाइम मैंने इन दादी से सामान वामान खरीद लिया, एक पानी की बोतल लेनी थी मेरे को और साथ में मेरे को एक स्नीकर लेनी थी, तो सब मैंने इन्हीं दादी से खरीद लिया। तो अच्छा बिहेवियर का ये फ़र्क पड़ता है यार, अगर आपके साथ कोई अच्छा बिहेव करता है तो आपका मन करता है कि उन्हीं बंदों से जाके कुछ सामान वामान ले लो। दादी ने मस्त हेल्प की थी मेरी। ये टिकट है भाई मेरे, अभी मेरे को यहाँ पे पूछना है कि और कुछ चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा मुझे। थैंक यू। हेलो दिस नो प्रॉब्लम गो थैंक यू। कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार क्या बोल रहे हैं लोग। शायद मेरे सबसे उधर टिकट दिखानी पड़ेगी क्या। आ गया हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो पता है मुझे क्या कन्फ्यूजन हो रही थी, अभी तक जितनी भी सोवियत कंट्रीज़ के अंदर मैंने ट्रैवल किया है, आप चाहे ऑनलाइन टिकट करवा दो, ऑनलाइन टिकट करवाने के बाद भी एक बार आपको स्टेशन पे जाके थोड़ा चेक इन काइंड ऑफ करना पड़ता है और फिर आपको एक जैसे अपने फ्लाइट में बोर्डिंग पास मिलता है ना वैसा सही सेम सीन अब तक ज़्यादातर सोवियत कंट्रीज़ में मैंने देखा था। तो मुझे लगा यहाँ पे मुझे जाके वो बोर्डिंग पास टाइप लेना पड़ेगा क्योंकि जो टिकट थी मेरी वो संभाल ने बुक कर दी थी कल, मेरा पता नहीं डेबिट कार्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। तो टिकट भी संभाल, फ्लाइट की टिकट भी संभाल से बुक करवाई और ये ट्रेन की टिकट भी संभाल से बुक करवाई। तो यहाँ से अलमाटी का डिस्टेंस मान लीजिए लगभग है 700 किलोमीटर, ट्रेन के लिए मैंने पे किया 1800 रुपये और अलमाटी और इस शिमकंद के डिस्टेंस को कवर करने में इस ट्रेन को लग जाएंगे लगभग 10 से 11 घंटे। शिमकंद तेमिरजोल वोक्जाल, वोक्जाल बोले तो रेलवे स्टेशन इन रशियन। बाकी इस अगर आपको ताशकंद जाना है तो ताशकंद के लिए ट्रेन शिमकंद से ही जाती है, ताशकंद यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। पोलिसिया और ये वाली जो ट्रेन है ये शायद थोड़ी लग्जरी है, फास्ट ट्रेन है। नॉर्मली अगर आप किसी और ट्रेन में जाओगे उनमें लगेंगे लोग 13 से 14 घंटे, ये वाली ट्रेन ले रही है 10 से 11 घंटे, 2-2.5 घंटे का फ़र्क है। एंड टिकट के लिए मैंने पे किए हैं 10,000 टेंगे, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1,700 रुपीज़, 1700 रुपये हो गए भाई। 1 बजे आएगी शायद ट्रेन यहाँ पे। हाँ और शायद पहले की वीडियोज़ आप देख के समझ गए होंगे कि कजाकिस्तान के अंदर 2 टाइम ज़ोन है। अभी माकताऊ में था ना जेनाओजेन वाले एरिया में, मंगिस्ता ओरिजिन में, वहाँ के और यहाँ के टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस है। वहाँ पे था GMT आई थिंक 5 और यहाँ पे है GMT 6। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो दो भाई मिल गए मेरे को, एक कपल, और वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। Спасибо, брат. Давай, давай. Раз знакомство. Хорошего тебе путешествия. Спасибо. Давай. Thank you. Счастливо, хорошо тебя. Мы इनसे पूछा था कि यार कि कैसे कैसे ट्रेन के अंदर बैठ सकते हैं, मेरी ट्रेन का जो वैगन है वो नंबर क्या है। नंबर मेरे को ही पता था लेकिन जब आपको बंदे मिल जाते हैं बात करने के लिए तो मैं थोड़ा बहुत इस टाइप के वो कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है बात करने में, जितनी बात करोगे उतनी आपके जो शर्म है वो खुलेगी। ट्रेन के जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है, इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी। मेरा वैगन नंबर है 6 और सीट नंबर है शायद 1। 10 घंटे की जर्नी होने वाली है, देखते हैं कैसी रहेगी, लगता है मज़े आएंगे क्योंकि ये पहली बार आ कि मैं कजाकिस्तान के अंदर ट्रेन से ट्रैवल करने वाला हूँ। मैं ट्रेन से डायरेक्ट अख्ताऊ से भी आ सकता था लेकिन अख्ताऊ से अलमाती तक के 3 दिन लग रहे थे, ऑलमोस्ट 3 नहीं सॉरी 48 घंटे 2 दिन,
और 48 घंटे ट्रेन के अंदर ट्रैवल करना, और वैसे भी ये आप कजाकिस्तान के अंदर सिर्फ 14 दिन ही बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हो, तो मेरा वो भी ख़त्म होने वाला है, जो मेरा जो वीज़ा है या फिर जो मेरी स्टे है वो जल्दी एक्सपायर हो जाएगी, तो उससे पहले मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर कर ली है। अपनी कंट्री में जो आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे ना वो ऊंचे ऊंचे हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म बहुत नीचे हैं। अच्छा क्रसी हुआ туда идти туда сейчас постой сейчас а окей может придет а 18 спасибо давай थैंक यू давай давай भाई ट्रेन एकदम सही टाइम पे आई है, बस अभी चढ़ने वाला हूँ ट्रेन के अंदर। दिस यस पासपोर्ट पासपोर्ट इज तो ट्रेन आ गई है और मैं अभी जो मेरा पासपोर्ट वासपोर्ट वो चेक करवा रहा हूँ और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगी मेरी जर्नी। एक बज के यस वन नंबर या आदित्य फिर वो कूपन ओके विंदु विंदु फिर वो कूपन ओके। ये भाई देखिए ट्रेन का सीन ऐसा है, ये प्राइवेट टाइप के केबिन बने हुए हैं, एक केबिन में 4 सीट हैं और सच में लग्जरी अच्छी है इस ट्रेन की, और अंदर से जो कंपार्टमेंट है एकदम गर्म है, ठंड का कोई नामो निशान नहीं है, बाहर टेम्परेचर मान लीजिए लगभग 10 डिग्री के आसपास है और अंदर आते मुझे जैकेट निकालनी पड़ी, तो आपको अंदर का टेम्परेचर का आइडिया हो गया होगा। गंदी बात यह है कि ट्रेन में लगेज रखने के लिए उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है जितनी मैंने उम्मीद की थी। एक ये हो गया यहाँ का कंपार्टमेंट, और जैसे ये वाला जो मेरा बैग है मैं सोच रहा था जरूर ऊपर रख दूँगा लेकिन ये आ ही नहीं था, तो अगर मान लो यहाँ पे और कोई बंदा आ गया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये बैग फिर मुझे यहाँ बीच में ही रखना पड़ेगा, कहीं पे जगह ही नहीं है, ये स्पेस थोड़ी कम है सामान रखने के लिए, और नीचे भी पता नहीं कुछ रखा ही हुआ है। अरे एंटरटेनमेंट पोर्टल और वो सब जैकेट मैंने यहाँ पे रख दी है और नीचे आप देख ही सकते हो। तो जो मेरी ट्रेन है अब चल पड़ी है, एकदम टाइम से निकली यार, 1:15 का टाइम था, एग्जैक्ट 1:15 पे ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया। जैसे अपनी रेलवे के अंदर वो चादर वदर मिलती है ना वाइट कलर की, तो सेम यहाँ पे मिली थी, वो नीचे मैंने बिछा ली और ऊपर ही ओढ़ने वाली, पीछे जो तकिए का कवर है वो, और अभी मैं कम से कम 1-2 घंटे तक सोने वाला हूँ, उसके बाद आपको जो बाकी ट्रेन है उसका सफ़र करवाऊँगा। नींद आ रही है बहुत तेज, तो थोड़ी देर सो ही लेता हूँ, एंड तब तक हमारा 1-2 घंटे का रास्ता भी कम हो जाएगा, नींद भी सही से हो जाएगी, और अभी तो यही है भाई। मुझे लग रहा था कि ये टिकट काफ़ी महंगी पड़ गई मुझे, मतलब 1700 रुपये पे किए ना मैंने इसके, लेकिन जब ट्रेन के अंदर की एमिनिटीज़ देखी तो तब लग रहा है नहीं यार टिकट काफ़ी सही है। अभी मैं लेटा ही हुआ था और बाहर भाई मस्त व्यू आ रखा है, तो सीरियसली क्रसी इन पहाड़ों के बीचों बीच से हमारी गाड़ी गुजर रही है अब। खाना खाने का मन किया और मैं आगे इधर ट्रेन के रेस्टोरेंट के अंदर, ट्रेन का जो रेस्टोरेंट है पीछे आप देख रहे हो कितना शानदार लग रहा है, और बाहर का जो व्यू है वो और ज़्यादा ही खतरनाक आ रहा है, जो साइड में पहाड़ है ना उनके ऊपर वैसे तो एकदम पीले हो रखे हैं क्योंकि जो वेजिटेशन थी वो हरी भरी नहीं है, लेकिन पहाड़ों के ऊपर अब बर्फ दिख रही है। मैंने ऑर्डर किया था एक लगमान और एक जूस, वो सब जो मेरा खाना धो चुका है और आपको
ये मेरा लगमन चल रहा है और साइड से खतरनाक व्यू आ रहे हैं। इस रेस्टोरेंट का पंगा एक ही है कि यहाँ पे जो मेन्यू है वो अंग्रेजी में नहीं है, सब कुछ रशियन में है, तो आपको गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना पड़ेगा और कई बार नेटवर्क होता नहीं है तो गूगल ट्रांसलेट भी ढंग से काम नहीं करता। लेकिन इस रेस्टोरेंट को देख के सच में खुश हो गया यार मैं। इस टाइप का कंसेप्ट शायद अपने हम जो वंदे भारत ट्रेन उसके अंदर कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे दो टाइप की जगह हैं, एक रेस्टोरेंट है मिनी बार टाइप में, वहाँ पे आप जैसे बार में बैठ के खाना वाना खाते हो वैसे कर सकते हो, और नहीं तो फिर इस रेस्टोरेंट में आके एकदम प्यार से बैठ के पीछे आप देख ही रहे होगे कैसा माहौल है यहाँ पे। बाहर आपको थोड़े थोड़े पहाड़ दिख रहे होंगे, पहाड़ के ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ जमी हुई है। साइड रह गया था रेस्टोरेंट का मेन बैठने वाली जगह और ये है काइंड ऑफ बार जहाँ पे आप बैठ के चाय वाय पी सकते हो, थोड़ी ड्रिंक व्रिंक लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा एरिया है। देखो ट्रेन सच में मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है और एक कोच से दूसरे कोच में जाने का रास्ता। ट्रेन के अंदर आपको पानी की भी सर्विस मिलेगी, गर्म पानी ठंडा पानी। भाई रात हो चुकी है और बाहर अभी कुछ दिखेगा नहीं, यूँ मान लीजिए रात के लगभग 10 बजने वाले हैं, दबा के 3-4 घंटे सोया हूँ मैं, नींद अभी भी आ रही है मेरे को और शायद ट्रेन टाइम से पहले पहुँच जाएगी क्योंकि जो मेरी को पैसेंजर है वो बता रही है कि ये ट्रेन नॉर्मली टाइम से पहले ही पहुँचती है, लगभग कई बार तो 1-1 घंटा पहले पहुँच जाती है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा टाइम को मैनेज करने के लिए अपने आप ही एक्स्ट्रा टाइम बताते हैं, अगर मान लो ट्रेन कभी लेट वेट हो जाए तो ऑफिशियली ट्रेन लेट होगी ही नहीं कभी भी, क्योंकि उस टाइम को फिर वो दूसरी जगह मैनेज कर लेंगे। बाकी ट्रेन की जर्नी काफ़ी सही थी, बस पंगा ये कि यार ट्रैक्स में ना कई जगह पता नहीं ऐसी चीज़ें आती हैं, उस टाइम ट्रेन जंप को ज़्यादा ही करती है, वो मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन बाकी ठीक है। भूख लगी है मेरे को भी, लेकिन ट्रेन के जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर खाना खाने नहीं जाऊँगा यार, एक तो महंगा बहुत है और स्वाद उतना अच्छा नहीं है। रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस था वो दिन में काफ़ी अच्छा है क्योंकि दिन में आप बैठ के चीज़ें देख सकते हो, रात को तो पूरा का पूरा यूँ ही लगेगा अंधेरा ही है, बाहर कुछ दिखेगा ही नहीं, तो इससे अच्छा है कि जब मैं अलमाटी पहुँच जाऊँगा वहाँ पे बाहर ही कुछ खा लूँगा। वैसे ऑलरेडी मैंने एक हॉस्टल बुक कर दिया है लगभग 500-600 रुपये का, नहीं 700 रुपये का। या सिंह पोचिन मनोगा रूस की कजाकिस्तान दे वेरी हार्ड हॉस्टल्स और होटल много русский Казахстан. Да, 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 да. Нету места? Нету места? Места? Нету места там хостел. Да, 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 хостел, да, бук. But Ахтау нет, ты потом хотел. Из-за русских. Русских много там, да? Да, очень много русских. Я travel to Бужжура. Ты знаешь Бужжура? Это Мангистау, очень красивая аттракция. Mm-hmm. Очень не казак, only русский. Yeah? Много русский. Yeah? Алматы? Да? Ну, уже чуть-чуть. А, окей. Okay. Можно пока собраться. Один час, два часа, Алматы. Один час. जो मेरी को पैसेंजर इनके साथ में काफ़ी देर तक बातें करके आया, देखो मजे की बात, देखो ना इनको इंग्लिश नहीं आती और मेरे को रशियन वही टूटी फूटी जो आती है और उसी से हमने अच्छे तरीके से बात कर ली, क्योंकि पर जब नेटवर्क आया तो हमने थोड़ा वो गूगल ट्रांसलेट का भी सहारा लिया और बाकी तो फिर अब यू मान लीजिए मैं रशियन में ठीक ठाक बातें कर लूँगा बंदों से, यहाँ पे तो आज इतनी गहरी गहरी डिस्कशन हुई, आज हम अमेरिका को गालियाँ वालियाँ दे रहे थे कि भाई अमेरिका ऐसे करता है दुनिया के साथ। आप लोगों को पता है ना कि अमेरिका ने रशिया के ऊपर सेंक्शन लगा रखे हैं, तो पहले अमेरिका भी काफ़ी रशिया से तेल खरीदता था, तो अब क्या करते हैं अमेरिका, पहले इंडिया तेल खरीदेगा रशिया से और फिर वही तेल इंडिया अमेरिका को बेच देगा। इंडिया को तो फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी देखो ना सेंक्शन लगाने के बाद भी अमेरिकन ने एक तीसरा रास्ता निकाल लिया है वहाँ से चीज़ें खरीदने का। सेंक्शन तो वैसे एक ऊपरी दिखावा होता है, नीचे के नीचे बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े धंधे अलग ही तरीके पे ऑपरेट कर रहे होते हैं।
बाकी ये वाला बैग मैं ऊपर रख नहीं पाया तो मैंने इधर इधर यहीं पे नीचे रख दिया था। मेरी को पैसेंजर है, इन्होंने मुझे 3 से 4 सेब भी दिए थे खाने वाने के लिए, काफी मस्त थी, इनकी खुद के बाग भी उगाए हुए थे, काफी स्वाद थे। वो पहुंच चुके हैं भाई अलमाटी के अंदर, जो साथ में मेरी आंटी थी वो निकल के चली गई अभी मुझे ऑल द बेस्ट बोल के, और मैं थोड़ा वीडियो बनाने में बिजी सा हो गया था। अब यहाँ से निकले खाना वाना खाना है, क्योंकि अगर मैं और कहीं पे देखूंगा तो सब कुछ बंद हो चुका होगा, क्योंकि ऑलरेडी रात के 12 बज चुके हैं। तो ये है भाई साहब अलमाटी शहर। रेलवे स्टेशन से बाहर आते सबसे पहले मैंने ऑर्डर की टैक्सी, जो मेरा हॉस्टल है वो यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है, 2 से 2.5 किलोमीटर के लिए अभी 900 तेंगे लग जाएंगे। नॉर्मली अगर दिन में होता ना तो ये 500-600 में बात बन जाती, लेकिन रात का टाइम है और अभी यहाँ पे दबा के लोग टैक्सी ऑर्डर कर रहे होंगे तो एकदम से डिमांड के अंदर स्पाइक हो गया है। बाकी ट्रेन की जर्नी काफ़ी सही थी यार, जो मेरी को पैसेंजर थी वो मुझे काफ़ी सही मिल गई थी, तो उस कारण से रास्ता बहुत अच्छी तरीके से कट गया और आधे रास्ते तो मैं सोते हुए ही आया हूँ। तो अभी एक बार मैं हॉस्टल में पहुँच जाता हूँ, अगर हॉस्टल में पहुँच के माहौल सही लगा तो उस टाइम आपको और बातें बताऊँगा, नहीं तो फिर कल सुबह उठ के आप लोगों से और बात करूँगा, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेशल तो है नहीं। टैक्सी आती, टैक्सी में बैठ के मैं सीधा हॉस्टल ही जाने वाला हूँ। 1 बजे बैठा था ट्रेन में और ट्रेन ने एग्जैक्ट 12 बजे मुझे अलमाटी उतार दिया, तो 11 घंटे लग गया ट्रेन में। मुझे लगा मैं आपको सुबह सुबह अपना हॉस्टल दिखाऊंगा, लेकिन हॉस्टल में पंगा हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, और फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो कल रात को आपने देखा ही होगा मैं अलमाटी पहुंच गया था, और अलमाटी पहुंचने के बाद फिर मैं टैक्सी करके पहुंचा अपने हॉस्टल में। रात को 1:30 बज गए थे उस टाइम पे, फिर खाना वाना खा गया, सोते सोते 2:30 बज गए थे, और फिर सुबह उठ के पता चलता है कि मैं सोच रहा था कि एक दिन और एक्सटेंड कर लूँ अलमाटी में, क्योंकि आज मैं अलमाटी को घूमूंगा और 2-3 दिन और है मेरे पास, तो मैं साइड में और जगह घूमने निकल जाऊँगा। लेकिन जब सुबह हॉस्टल में एक रात एक्सटेंड करने के लिए नीचे गए रिसेप्शन पे, उन्होंने बोला कि आज तो हॉस्टल पूरा बुक है, आपको और कहीं जाना पड़ेगा। फिर मैंने पूछा कि यार कि अभी ये पीक सीज़न है क्या कजाकिस्तान में ट्रैवल करने का, बोलते नहीं नहीं वो बहुत ज़्यादा रशियंस आ रखे हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग रशियन क्राइसिस। अच्छा भाई साहब, तो भाई अलमाटी में भी दबा के रशियन आ रखे हैं अभी, क्या कर रहे हैं ये? एक बंदा पता नहीं फुल तेज स्पीड में भूम भूम करके आगे गाड़ी ले गया। तो भाई हाँ, ये अलमाटी के अंदर भी दबा के रशियन भरे पड़े हैं, काफ़ी रशियंस ने कंट्री छोड़ दिया, जो जहाँ जा सका वो वहीं चला गया, कई आ गए इधर कजाकिस्तान में, कई किर्गिस्तान पहुँच गए, आर्मेनिया में भी दबा के पहुँच गए, इस्तानबुल, दुबई, हर जगह अब आपको रशियन मिल जाएंगे, क्योंकि अब खास करके जो मेल हैं और ख़ास करके यंग लड़के, दे डोंट वॉन्ट टू गो बैक टू रशिया, क्योंकि जैसे ही वो रशिया जाएंगे उनको फिर मिलिट्री सर्विस देनी पड़ेगी। तो अब मैं दूसरे हॉस्टल में जा रहा हूँ, बुक तो मैंने कर दी, अब देखते हैं वहाँ जाके रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बड़ी अनसर्टेनिटी हो रखी है यार, और इस कारण से हॉस्टल के प्राइस भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखे हैं। बाकी अलमाटी एक टाइम में कजाकिस्तान की कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन बाद में कैपिटल को उधर अस्ताना की तरफ शिफ्ट कर दिया। अगर आपको कजाकिस्तान में ढंग से जगह घूमनी है तो एक सिटी के दम पे आप पूरे कजाकिस्तान के जो एक्सपीरियंस है वो ले सकते हो, वो है अलमाटी, क्योंकि जो मेन प्लेसेस हैं कजाकिस्तान में एक्सप्लोर करने की वो सब अलमाटी के पास ही पड़ते हैं, फिर चाहे वो तियानशान माउंटेन हो या चरन कैनियन हो या फिर कुछ सेंड्यून्स हो, छोड़ के जो मंगेस्ता वाला रीजन वो थोड़ा दूर पड़ जाता है यहाँ से, जहाँ से कल मैं आ रहा था। भीनी भीनी ठंड हो रखी है यार, पतझड़ का टाइम आ रखा है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।